विद्यार्थी मित्रों सज आग बढ़िए अपने जैविक क्रिया ने छेले वाक्य आपी दीधी थी एम एवं कीधुत कि भाई सजीवों की जे समारकाम कोषों की शक्ति एना रक्षण करने क्रियाओं जरूरी है जैविक क्रियाओं कहवा हमें बे प्रकार सजीवों एक कोषीय बहुकोषीय तो एक कोषीय सजीव अमीबा है पेरामेशियम है ये एमनी शरीर की जो सपाटी है ये पर्यावरण साथ एटले हवा पानी एना साथ सीधा संपर्क में होने वहन पोषण उत्सर्जन श्वसन आवी बधी जे क्रियाओं करवा माटे कोई विशिष्ट अंगनी जरूर नहीं होती अपना में छे श्वसन माटे श्वसन तंत्र छे फेफसा छे पाचन माटे अपना शरीर में यकृत छे रुधिर नो प्रॉपर वहन थाय एना माटे हृदय छे उत्सर्जन माटे अपना शरीर की अंदर मूत्रपिंड के लिए किडनी है तो अहीं एक कोषीय सजीव में वहन पोषण उत्सर्जन श्वसन वगैरह की क्रियाओं माटे कोई विशिष्ट अंग नहीं होती एटले आ बधी तमाम क्रियाओं एमनामां थाय छे पण सादा प्रसरण द्वारा थाय छे हवा के पाणी एना प्रसरण द्वारा एना शरीर की आ क्रियाओं चालती होय छे ज्यारे आपणा जेवा बहुकोषीय सजीवों के एमां शरीरना बधा ज कोषो नो डाउट अपने पर्यावरण साथ हवा साथ संपर्क में है पर आप शरीर इंटरनल कोषो जो है ये अपनी आसपासना पर्यावरण साथ अपने सीधा संपर्क में होता नहीं कारण पण है कि अपनी शरीर रचना खूब जटिल है अंदर जो कोषो पेशीनी समूह कारण कि आप बहुकोषी प्राणी है आप शरीर कद ये खूब वधारे होय छे एज रीते वनस्पति एनु शरीर कद अथवा एनी शरीर रचना पण अटपटी है એટલે એમાં સાદા પ્રસરણ દ્વારા બધા જ કોષોમાં ઓક્સિજનનો જે જથ્થો મળવો જોઈએ કે પુરવઠો મળવો જોઈએ એ સાદા પ્રસરણ દ્વારા પહોંચાડી શકાય નહીં એટલા માટે જ મનુષ્ય જેવા આપણા બહુકોષીય પ્રાણીઓમાં એ સાદા પ્રસરણની ક્રિયા બિલકુલ અપૂરતી છે અને એના માટે જ આપણા શરીરમાં વિવિધ પ્રકારના અંગોની રચના થયેલી છે કોઈપણ વસ્તુ જીવંત છે એનો માપદંડ શું तो क्या तो ये श्वासोश्वास करते हो तो अपने खबर पड़ सके अथवा हलनचलन करे छे, तो खबर पड़ सके कि जीवन है अथवा एना शरीर की वृद्धि के विकास थाय छे अथवा एना शरीर में कोष की रचना आवी छे आ ये सजीव छे ये जीवंत छे एवं कहवा माटेनो चोक्कस मापदंड छे आ जीवंत क्रियाओं करवा माटे सजीव माटे ऑक्सिजन कार्बन डाइऑक्साइड पाणी कार्बन आधारित खोराक एटले के कार्बोहाइड्रेट ए बधी ज काची बाह्य सामग्री गणाय छे।